नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी में कर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखते हैं उस विशेषण से क्या समस्या उत्पन्न होती है जिसे कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। आपका यहां पर विशेषण दिया हुआ है, कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि एक्चुअली में जो विशेषण होता है उसके कुछ भेद होते हैं क्या। ऊपर से प्रश्न बनाया जा सकता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है आप सभी को कि केवल चार भेद होते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए, केवल इसके चार भेद होते हैं। हम चारों भेदों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में विशेषण का परिभाषा क्या होता है। विशेषण का परिभाषा क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, चाहे वह गुण की बात करें, चाहे दोष हो, चाहे संख्या हो, चाहे आकार की न बात करें, परिमाण की बात करें, बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? आपका विशेषण कहलाता है। यहां पर आपका विशेषण होता है। क्या आप इन्हें कुछ सेकंड के अंदर पहचान सकते हैं क्या? क्या आप इन्हें कुछ सेकंड को अंदर ही पहचान सकते हैं क्या कि विशेषण क्या होता है और क्या नहीं होता? तो देखते हैं यहां पर क्या है विशेषण। साफ साफ आपको परिभाषा इतना नहीं पढ़ना है, आपको परिभाषा को इतने में समाप्त कर देना है। परिभाषा को इतने में समाप्त कर देना है, यह समाप्त तब होगा जब आपको देखेंगे यहां पर। तभी यहां पर क्या होगा कि बस आपका कोई भी संज्ञा हो सकता है। संज्ञा मतलब कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वह आपका यहां पर कोई भी सर्वनाम हो। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ही विशेषण कहलाता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है, यह आपको पता होना चाहिए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ही विशेषण कहलाता है। भेद कितने होते हैं? चार बताया था। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक दिया हुआ है। यहां पर सार्वनामिक दिया हुआ है। हम बात करेंगे, अगर कोई पूछ ले कि आपका, जैसे एग्जाम्पल की बात ले लिया जाए यहां पर कोई भी, कि यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा जो है काला है, और आपसे पूछे कि इसमें विशेषण क्या होगा, तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ही विशेषण कहलाता है। और पूछा है कि इसमें विशेषण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि घोड़ा है, लेकिन नो डाउट घोड़ा तो है, डाउट ही नहीं है, लेकिन कैसा घोड़ा है, तो पता चला भाई वह काला घोड़ा है, तो विशेषण आपको पता चल गया। ऐसे ही विशेषता आपको बताई जाएगी, विशेषण कहलाएगा, चाहे वह संज्ञा सर्वनाम का ही क्यों ना हो। और जो ये आपको दिया हुआ है भेद, ये पूछेगा कितने भेद, तो आपको पता होना चाहिए चार भेद आपको यहां पर दिया हुआ है। चारों भेद हम गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक का हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक से मुलाकात आपसे उसी क्लास में होगी, ताकि आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ चुके। लेकिन आप इतना याद रखना कि विशेषण का परिभाषा नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात लिया गया है, यह घोड़ा काला है, पूछा है विशेषण क्या होगा, तो बता देना घोड़ा तो है नो डाउट, लेकिन कैसा है, पता चला काला है, तो यही इसका क्या था, विशेषण था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, ताकि आपको चारों भेद बताएंगे पार्ट वाइज, पार्ट पार्ट करके बता देंगे, कभी लाइफ में आपके जीवन में गलतियां नहीं होगी मेरे दोस्त। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।